नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज की। फैलोपियन ट्यूब अगर किसी महिला का ब्लॉक हो जाता है तो उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और उसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कहते हैं। तो साथियों, जान लेते हैं पहले ये होता क्या है। फैलोपियन ट्यूब एक बहुत ही फाइन पतला सा ट्यूब होता है जो हमारे ओवरी को, जो एग ओवरी से निकलता है, उसको यूट्रस यानी बच्चे दानी तक पहुंचाने के बीच का काम करता है। वो एक ट्यूब होता है जिससे ओवरी से एग होता हुआ वहाँ फैलोपियन ट्यूब से गुजरता हुआ यूट्रस पे, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता हुआ यूट्रस पे जाके सेटल होता है। तो यह फैलोपियन ट्यूब होता है, इसको यूट्राइन ट्यूब या सैल्पिंग्स भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। जब यह ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो आपका जो ओवरी से एग सिक्रीट होता है वह एग फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं हो पाता है और यूट्रस तक फर्टिलाइज एग नहीं पहुंच पाता है तो आप प्रेगनेंसी नहीं बियर कर पाती हैं। वही स्थिति है जिसमें आप परेशान होते हैं और तमाम डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को दूर करने की 12 बेहतरीन कारगर दवाओं के बारे में जो इसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ दे देंगी। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, होता क्यों है। ये यूँ होता है कि जो आपके यूट्रस में जो है एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस में, जो यूट्रस की बच्चेदानी की मेम्ब्रेन होती है, इसके टिश्यू कभी कभी वहाँ से हट के उनकी फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। और जब यह एंडोमेट्रियम टिश्यू उस ट्यूब में चले जाते हैं जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जब उसमें इसकी इन टिश्यूज़ की ग्रोथ होने लगती है तो यह ब्लॉक हो जाते हैं। और जब यह ब्लॉक हो जाते हैं उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियम का यूट्रस के लाइनिंग की जगह कहीं और ग्रो करना, तो ये जो एंडोमेट्रोसिस की स्थिति है यही आपके ट्यूब ब्लॉकेज का सबसे मेन कारण है। इसके अलावा आपको तमाम इन्फेक्शन हो सकते हैं जिससे कि आपके टिश्यू फैलोपियन ट्यूब में जमा हो सकते हैं, पस फॉर्मेशन हो सकता है, तमाम तकलीफें हो सकती हैं जो आपके फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज का कॉज होती हैं और अल्टीमेटली आपको इनफर्टिलिटी का कॉज बन जाती हैं। इसके सिम्टम्स साथियों, सिम्टम इसका सबसे बड़ा यही है कि आपका जो है वो प्रेगनेंसी ना बियर हो रही हो, आपका पीरियड बहुत इरेगुलर हो गया हो, आपके एब्डोमिन में पेन हो रहा हो, आपके ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्जेस आ रहे हो, आपके पस फॉर्मेशन हो रहा हो, आपके क्रैम्प्स आ रहे हो, यह सब स्थितियाँ आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और उसमें तकलीफ है। तो फैलोपियन ट्यूब साथियों ब्लॉक है, अब इसको कैसे ठीक करा जाए ये सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है इस वीडियो का। इसके लिए हम आपको 12 कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे, लेकिन दवा बताने से पहले हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि कोई भी होम्योपैथिक दवा बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें, क्योंकि आपके सिम्टम दवाओं के हिसाब से भिन्न हो सकते हैं। हो सकता है ये दवा आपके लिए कारगर ना हो जो इस वीडियो में बताई जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति होम्योपैथी के हिसाब से अलग है। तो ये आपकी अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए है कि आप जान लें कि ये दवाएं इसके लिए बहुत कारगर होती हैं, आपको लाभ दे सकती हैं। साथियों, अब चलते हैं इसकी दवाओं के विषय में, इसको ठीक करने की दवाओं के विषय में, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने की विषय में, जिससे कि आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो सके, आप प्रेगनेंसी बियर कर सकें। सबसे पहली और सबसे अहम दवा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण के साथ है, वह हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा कारण जो कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का होता है वह एंडोमेट्रियोसिस होता है। और एंडोमेट्रियोसिस अगर आपको, यानी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है ड्यू टू यूट्राइन यूट्रस के लाइनिंग के टिश्यू आपके फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लगे हैं, तो इसकी दवा सिमिसिफ्यूगा है। आप सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें कि जब आपका मेंसेस बहुत पेनफुल हो रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपके खिंचाव आ रहा है और आपके हैवी जो है डिस्चार्जेस इन एट द टाइम ऑफ मेंसेस हो रहे हैं, या स्थिति साथियों अगर आपको बने तो इसके लिए दवा आपके सिमिसिफ्यूगा है 200 पावर में दो बूंद दिन में 3 बार।
एक स्थिति आती है जिसमें कि आपके दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गए, आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें निकला दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं। तो अगर आपके दोनों बोथ द फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो रहे हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में निकल रहा है, तो इसकी बहुत दवाई, बहुत अच्छी दवाई यूपोनियम है। आप यूपोनियम 30 दो पून दिन में 3 बार ले लें, आपको जो बोथ ट्यूब्स का ब्लॉकेज का कंडीशन है उस पर बहुत आराम मिलेगा, आपकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। इस पर भी बहुत हैवी मेंसेस पेशेंट को होता है एट द टाइम ऑफ मेंसेस, और वह उससे बहुत परेशान रहते हैं और वीकनेस आ जाती है। तो बोथ ट्यूबल ब्लॉक की बहुत अच्छी दवा यूपोनियम है। तीसरी स्थिति आती है जब आपका लेफ्ट साइडेड ट्यूब ब्लॉक हो रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें लेफ्ट साइडेड ट्यूब ब्लॉक निकला। तो अगर आपका लेफ्ट साइडेड ट्यूब ब्लॉक हो तो उसकी दवा सबसे बेहतर है लिकेसिस। आप लिकेसिस 1 mg/hour में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली हर हफ्ते उस स्थिति में ले लें कि जब आपके लेफ्ट साइड का फेलोपियन ट्यूब अल्ट्रासाउंड में ब्लॉक निकला है और आपका पीरियड का जो हो रहा है उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं और हैवी पीरियड हो रहा है, आप जितना चल रहे हैं उतना ज़्यादा पीरियड आ रहा है और उसमें ब्लूइश कलर का एक डिस्चार्जेस आ रहा है, एक जो उसकी टोन है वो फ्रेश ब्लड के साथ ब्लू कलर के क्लॉट्स हैं, यह स्थिति साथियों होती है। और रात में आपकी तकलीफें बढ़ जाती हैं सोने के बाद, अगर स्लीप के बाद आपकी तकलीफें और बढ़ जाती हैं, आपके पीरियड का फ्लो और बढ़ जाता है, आपको सोने नहीं देता है, तो इसकी लेफ्ट साइडेड ट्यूबल ब्लॉक की सबसे अच्छी दवा लिकेसिस है। आप लिकेसिस 1 mg/hour का वीकली 5-5 मिनट के फासले पर 3 खुराक ले लें, आपको आराम मिलेगा, इसकी पूरा कोशिश है। एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की स्थिति आती है कि आपके फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया और सूजन आ गई हो, यह आपको डॉक्टर आपकी गायनी बता देगी, तो आपके सुनने में आएगा साहब फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ गई है। अगर आपके फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ गई हो तो इसकी 3 बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है मर्सोल, दूसरी दवा है पल्सेटिला और तीसरी दवा है सीपिया। मर्सोल 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके चलन वाले ल्यूकोरिया की तकलीफ हो। जब आपका ल्यूकोरिया पीरियड सब में बर्निंग महसूस हो आपको, तो समझ लीजिए आपकी दवा मर्सोल 30 है। इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार आप इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के लिए ले सकते हैं, यह आपको आराम दे देगी। दूसरी दवा इसी स्थिति की साथियों है पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लीजिए कि जब आपके बेचैनी बहुत रहती हो, रात भर आप पलंग में इधर से उधर टॉस करते हों, इधर से उधर करवटें लेते हों और आपको लोगों के बीच रहना पसंद हो, अकेले रहना आपको पसंद ना हो और आपको सांत्वना यानी कि कंसोलेशन, आपको अमलेट यानी फ़ायदा देता हो, जब आपको कोई सांत्वना देता है तो आपको अच्छा लगता है, तो यह दिमागी स्थिति आपकी हो, आपको बेचैनी हो, आपको प्यास ना लगती हो और आप सज्जन हो, ये आपको डिसाइड करना है आप सज्जन हैं। अगर आप सज्जन व्यक्ति मतलब जेंटलमैन होता है, जो पल्स वुमन होती है, जो पल्सेटिला की पेशेंट होती है वो जेंटल वुमन होती है, तो अगर आप अपने को जेंटल वुमन के एक कॉम्पैक्ट व्यक्ति के रूप में महसूस करते हैं और आपके फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन है, तो इसकी सबसे बेहतर दवा पल्सेटिला है। पल्सेटिला का जो मेंसेस होता है, पीरियड होता है, यह कम दिन के लिए रहता है, शॉर्ट होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आता है और रेगुलर नहीं होता है, थोड़ा लेट हो जाता है। लेट मेंसेस की स्थिति हो तो आप पल्सेटिला 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। तीसरी दवा इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब की है सीपिया। सीपिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में आप ले सकते हैं जब आपका यूट्रस का बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा हो, यूट्रस लग रहा हो नीचे की तरफ आपका आया जा रहा है, बाहर आ जाएगा, यह स्थिति हो, आपको हमेशा दुख अफसोस बना रहता हो, आप दुबले पतले ही खेरे हों, यह सारे सिम्टम अगर आप अपने में देखते हैं तो इसकी दवा सीपिया 30 है। फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए उसकी आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप निश्चित रूप से लाभ पा जाएंगे। एक स्थिति आती है कि जब आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया हो और आपको इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप करने बहुत पेन होता हो,
अगर यह सिम्टम आप में आ रहा है कि आपका इंटरकोर्स करने में आपको बहुत पेन होता है और डॉक्टर ने फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बताई है, अल्ट्रासाउंड में आई है, तो इसकी बहुत कारगर दवा दूर करने की है साथियों प्लेटिना। आप प्लेटिना 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका जो यह इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होने का सिम्टम है, और इसका एक और सिम्टम होता है कि आप में एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यह भी आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है आप किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपके अंदर की अंतरात्मा है वो इसको जज करेगी। अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हैं, ये आपको लगता है सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम सबसे अच्छे हैं, अगर यह आप में एक कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, कि एक कॉम्प्लेक्स महसूस होता हो हर पल, कॉन्फिडेंस रहता है लेकिन वो इतना प्रखर नहीं होता, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स होता है तो यह बहुत प्रखर हो जाता है, बहुत उभर आता है। तो यह स्थिति साथियों हो तो इसकी दवा प्लेटिना है। आप प्लेटिना 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ड्यू टू विथ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स एज अ मेंटल यह है, तो उस स्थिति में आपका इस दवा से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। एक स्थिति साथियों और आती है कि जब आपके कटिंग पेन हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है और आपके लोअर एब्डोमेन में पीरियड्स के टाइम पे कटिंग पेन हो रहा है। यह स्थिति साथियों की रेतने काटने वाला दर्द महसूस हो रहा हो और डॉक्टर कह दे आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, अगर यह स्थिति साथियों बने तो इसकी बहुत अच्छी दवा पॉलीगोनम है। पॉलीगोनम 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकती हैं जब आपके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है और आपको रेतने काटने वाला दर्द पेट के निचले हिस्से में महसूस हो रहा है और आपके हिप्स जो बटक्स हैं वो लग रहा है सिकुड़ के एक में आ जाएंगे, इतना खिंचाव उनके बीच में हो रहा है दोनों तरफ के बाइलेटरल की जो है आपको उतनी तकलीफ महसूस हो रही है। अगर वह स्थिति आपकी महसूस हो रही हो आपको और आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो पॉलीगोनम 30 इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू। इसको आप दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी समस्या में निजात जरूर मिलेगी। एक स्थिति फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की आती है कि आपका पीरियड 8 से 10 दिन लेट आता है, तो अगर आपका मेंसेस यानी पीरियड 8 से 10 दिन लेट आ रहा है और आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या डॉक्टर ने कह दिया है तो इसकी दवा है सिलीनियम। आप सिलीनियम 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपका पीरियड का डेट भी सही हो जाएगा और आपका जो सिम्टम है मेंसेस लेट होने के साथ आपको यह दिक्कत हो रही है, यह दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी और आप लाभ पा जाएंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आपके फेलोपियन ट्यूब में पस का फॉर्मेशन हो रहा हो, आपका गायनी आपको ये बता देगी कि आपको फेलोपियन ट्यूब में पस बन रहा है, तो अगर आपको फेलोपियन ट्यूब में पस बनने की डॉक्टर आपको बताए तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में सैलिसिया। सैलिसिया 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं कि जब आपके फेलोपियन ट्यूब में पस बन रहा हो, पस के डिस्चार्जेस हो रहे हों और साथ में आपको आइसी कोल्डनेस बहुत ठंडक लगती हो और पेट के निचले भाग में विशेष तौर पे आपको बहुत ठंडक लगती हो, आप वीकनेस महसूस करते हो, यानी सर्दी में बहुत सर्दी, गर्मी में बहुत गर्मी और ओवरऑल आपको सर्दी, अगर यह स्थिति आपको हो कि आपको चिलीनेस महसूस हो रही हो, सर्दी महसूस हो रही हो और आपके फेलोपियन ट्यूब में पस का फॉर्मेशन हो रहा हो तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है साथियों सैलिसिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपको जो पस्ट्यूल फॉर्मेशन है फेलोपियन ट्यूब में वो पूर्णतया रुक जाएगा और आप आराम पा जाएंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होने लगी और आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो अगर यह सिम्टम आपके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में पाया जाता है कि आपके पीरियड्स में ब्लीडिंग के बीच में ब्लीडिंग हो रही हो, मेंसेस की डेट आने से पहले बीच में ब्लीडिंग हो रही हो, तो इसकी बहुत अच्छी दवा थैल्सपी बुरसा है। थैल्सपी बुरसा 30 पावर में 2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ड्यू टू ब्लीडिंग इन बिटवीन द मेंसेस, इस स्थिति को यह दवा पूर्णतया ठीक कर देगी और उसी क्रम में आपके फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को भी यह खत्म कर देगी। एक स्थिति देखी गई है कि आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और साथ में आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके यूरिन में दिक्कत हो रही है, आपके यूरिन में यूटीआई आपको रिकरेंट हुआ जा रहा है, सिस्टाइटिस हुआ जा रहा है यानी पेशाब की नली में सूजन हुई जा रही है, इस तरह की तमाम दिक्कतें आपको यूरिनरी सिम्टम में होती है,
तो अगर आपको यूरिनरी सिम्टम के साथ फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है तो इसकी बहुत कारगर दवा टाइटिकम है साथियों। आप टाइटिकम 30 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार सुबह दोपहर शाम ले सकती हैं। इससे आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज विथ यूरिनरी कंप्लेंट्स यानी कि यूटीआई सिस्टाइटिस या कोई भी यूरिनरी रिलेटेड कंप्लेंट के साथ या है तो आपकी यह टाइटिकम ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह आपके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को ख़त्म कर देगी। अगर आपको यूरिनरी सिम्टम भी आपके इस ब्लॉकेज के साथ एकम्पनी कर रहे हैं साथ में हैं, अब हम साथियों आपको एक बहुत कारगर दवा बताएंगे उस स्थिति के लिए कि किसी भी कारण से आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है तो उस टिश्यू को उस स्कार को आप कैसे डिजॉल्व करें। इसकी बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में थायोसिनमनम 30 दो बूंद आप दिन में तीन बार किसी भी उस स्थिति में ले सकते हैं जिससे कि कोई भी स्कार से या कोई भी टिश्यू के डिपोजिशन से आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है। थायोसिनमनम 30 दो बूंद दिन में तीन बार अगर आप लेते हैं तो आपका ट्यूबल ब्लॉकेज का जो स्कार बीच में आपके फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है उसको वह डिजॉल्व कर देगा और आपके फेलोपियन ट्यूब को खोल देगा और इसी क्रम में आपकी इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाएगी। ये कुछ दवाएँ थीं आप सबके लिए फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को ख़त्म करने की। मैं फिर आपको बता दूं कि यह मेरा प्रयास है कि आपको होम्योपैथी के करीब लाऊं, होम्योपैथी से अवेयर कराएं। कोई भी दवा बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ना लीजिएगा, सलाह की और उसे प्रिस्क्राइब करे बिना ना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दवा आपको सूट करें, हो सकता है ना करें, सिम्टम पर डिपेंड करता है और वो डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू जज दिस। अगर साथियों आपके मन में कोई सवाल हो तो यह हमारा यूट्यूब का नोटिफिकेशन पैनल में आप अपने क्वेश्चन को लिख के हमसे पूछ सकती हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करा जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर आप अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सकारात्मक जवाब दे पाएँ जो आपकी मुश्किलों को आसान करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक ये पहुँच जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन दबा दें ताकि हमारे नए से नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।